अपने करियर की शुरुआत की नजर है, रिटायरमेंट का पो मां पे करियर कैसे स्टार्ट साई कुछ गाली अड़ी पई जेमे मां के सपोर्ट कंदे से सेकंड कंदे स्टार्ट कायदा तो ये गालियों कुछ थी चुकी हैं और कुछ करने वाला है फ्यूचर के लिए स्टूडेंट्स के लिए साई पेरी गालिया की पान में सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट के पांजो पान के ब्रो ध्यान दियो पानी करियर के पानी लाइफ थे एक ब्रो आम मिसाल तो जान ना ब्रो सिंधी में क्या होता है इनका अरे पलानो लीडर बटे दिन नालों की निकल कौन है जैसे घर जी बटे दिन नालों की निकल कौन है जैसे अरे नालों की तरह इनका दो चले को भी जेन को दो जेने की मार जेन ना जेन दो जेने परमा फलदार बंदो तरे ऊ की या ऊ वाला कुछ नहीं हो जिस दिन बटे दिन नाला लिखे लोग जाने देख लेंगे अरे बाबा मुझे कुटे नाला लिखे थे तरे की पांच नाला लिखे थे मुझे कुटे नाला वो नहीं करे जो पेरे में बने पांच इमेज था वो पानी का हेल्थ केयर कहाँ से कहाँ पहुंच गए तीनों बीमारियां थी रोल मॉडल है ना हमारे लिए इससे आगे क्या हालत याद करेंगे दुनिया में ऐसे कई लोग हैं लेकिन उन्होंने क्या प्लान कर दिया नहीं कोई चाहिए आते नहीं है टांगे नहीं है लेकिन वो रोल मॉडल है आज देख लेना कहीं जाके वीडियो ऐसे लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं हम तो सारे टैलेंट नॉर्मल हो सकता है लेकिन जो मुसलसल कोशिश है ना वो आगे जाके आप कामयाब कर सकती है मैं भी एवरेज स्टूडेंट था मैं कोई मतलब हर बार फर्स्ट क्लास नहीं आता था लेकिन मैंने अटेम्प्ट करना नहीं छोड़ी तो आज मैं दो बार मैं डॉक्टर नहीं बना फेल हो गया आज भी इसी डॉक्टर हूँ तो ऐसे ही आप किसी कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो क्या कर बी एससी डॉक्टर नहीं बन सकते अभी था अभी क्या वो ख्वाब वहीं पड़ी रहा आगे उस ख्वाब में बेहतरी याद लानी है उस ख्वाब में बेहतरी लानी है वक्त हमेशा बेहतर ऑप्शन देता है आपको टैलेंट देता है आप कितनी मेहनत करते हैं बस अगर आप कामयाब होना है 24 घंटे में 1 घंटा आपने नहीं रखी और 1 घंटा हमें शुक्र गुजार होने के लिए एक नेमत काफ़ी नहीं है इंसान को एक चीज़ पे अगर यकीन आ जाए जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं होगा शुक्र गुजार होना ग्रेटिट्यूड एक लफ्ज़ है ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड का मतलब है जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल होना सबसे बड़ी शुक्रगुजारी हमें अल्लाह ताला ने इंसान बनाया हो सकता था हम जानवर भी हो सकते थे पौधे भी हो सकते थे हमें अल्लाह ताला ने इंसान बनाया तो शुक्रगुजार होने के लिए इससे बड़ी चीज और कोई होगी उससे ऊपर हमें फिर यूनिवर्सिटी तक पढ़ने के लिए हम आ गए और सेहतमंद हैं हमारे पास नेमतें हैं तो ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी आए आप अपनी नेमतें के नहीं 1 से 10 तक लिखेंगे आपका दिल मुतमिन होता जाएगा मेरे वालदैन है मेरा गांव है मेरे रिश्तेदार हैं मेरे दोस्त हैं मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ मुझे ये किताब है मेरे पास आँखें हैं मेरे पास हाथ हैं मेरे पास टांगे हैं मैं पूरा सेहतमंद हूँ मतलब आप लिखते जाएँ आपकी डायरीज भर जाएंगी नेमतें नहीं भूलेंगे तो फिर एक आधी चीज़ के बारे में हम क्यों परेशान हैं ज़िंदगी में खुश रहने के लिए मुतमिन रहने के लिए यही नुस्खा है कि आप जब भी परेशान हो जब भी चैलेंज आए आप अपनी नेमतें गिनें लिखना शुरू कर दें ये जिसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड ये चीज जिंदगी में आपको हमेशा मुतमिन रखती है आपको हमेशा शुक्रगुजार होना है ये चीज ये मेरा पहला आज की तरफ मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है आप ग्रेटिट्यूड रखें आप यूनिवर्सिटी में आए सिंध यूनिवर्सिटी में आए सिंध यूनिवर्सिटी में कहेंगे कि भाई सहूलतें नहीं है मसले मसाइल हैं अब जिस जिंदगी में जो कंप्लेन करता है वो कंप्लेन उसको बीमार करता है अंदर ही अंदर आप जब कंप्लेन करते हैं ना एक उसी टूटी हुई है सर क्लास में नहीं आए यूनिवर्सिटी के पंखे नहीं चल रहे रोशनी नहीं थी वो जो पॉइंट सही नहीं काम कर रही इन्हीं सब चीज़ों पे ऐसे ही हालात में कुछ लोग हीरो बन जाते हैं कुछ लोग जीरो बन जाते हैं जो कंप्लेन करता रहता है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा जो जिम्मेदारी नहीं उठाता वो कंप्लेन करता है ऐसे हालात में तो हीरो बने सारे जो बड़े बड़े लोग हैं जो हमारे रोल मॉडल हैं वो छुट्टियों से निकले हुए नेल्सन मंडेला लेनिन ये सारे छुट्टियों से निकले हुए हजरत मोहम्मद कहाँ से इतने पुराना दूर दराज कुछ दौर के इलाकों में से दुनिया के रोल मॉडल हैं क्या है इन्होंने कंप्लेन की कभी हम झुटियों से निकल के हीरो बन सकते हैं अगर हम कंप्लेन करना छोड़ दें
हजरत अली का कॉल है, उससे किसी ने पूछा इंसान सबसे ज्यादा कीमती कब होता है, कैसे होता है? उसने कहा जो जितना रिस्पांसिबल है, जिम्मेदार है, जिम्मेवार है, उतना की उतना रिस्पांसिबल है। तो आप रिस्पांसिबल किसी और की ना उठाएं। मैंने कह रहा पाकिस्तान की उठाएं, बेद यूनिवर्सिटी की उठाएं, अपनी रिस्पांसिबिलिटी उठाएं, अपने हीरो आप खुद बने, अपने आप को आप प्यार करें, आप काबिल होंगे, आप सेहतमंद होंगे, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो कुदरत भी आपके लिए रास्ते बनाएगी और आप कामयाब होंगे। तो बींग रिस्पांसिबल, अपनी रिस्पांसिबिलिटी खुद उठाएं, कम से कम दुनिया में आए तो किसी एक बंदे की तो रिस्पांसिबिलिटी उठाएं और वो खुद की उठाएं। हम सब एक किसी न किसी के मतलब मसले में होते हैं और हम कहना चाहते हैं आई लव यू किसी को, कभी खुद को तो आई लव यू लगा के देखें। आप खुद को कब कहा है कभी किसी की जिंदगी में, 20 साल के हो गए और आज इसी में जाके खुद को आई लव यू कहें, खुद को अप्रिशिएट करें। क्या होगा आपके जिस्म के अंदर में जो इंसान है, आपका स्पिरिट है, वो खुश हो जाएगा। हम सेहतमंद होने के बावजूद भी मुतमिन नहीं रहते, खाना नाश्ता भी पीता है, मुतमिन नहीं रहते। क्या मसला है? मसला ये है कि हमारे रूह में, हमारे जिस्म में, हमारे जहन में, हमारे दिल में जंग चल रही होती है। 4 टायर हैं हमारी ज़िंदगी के, हमारा रूह और हमारे दिल, हमारा जिस्म और हमारा जहन। ये 4 टायर हम बैलेंस करके नहीं चलाते, हमारा सारा फोकस हमारे जिस्म पे। हर वक्त हम अपने लिए हमने जिस्म की नाश्ता कराते हैं सुबह में, फिर हम अपने जिस्म को ही साफ रखते हैं, हम अपने जिस्म को लेकर चल रहे हैं। हमने अपने रूह को नाश्ता कराया सुबह, अगर हम सुबह नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके आप स्कूल यूनिवर्सिटी के लिए आते हो तो क्या सुबह 2 रफ़ल पढ़े आपने, 2 फर्ज पढ़े, कोई कुरान शरीफ की हदीस पढ़ी? ये रूह का नाश्ता आता है, हम सिर्फ जिस्म का रास्ता करके निकल रहे थे। इसी तरह हमारे जहन का रास्ता है, क्या हमने सुबह कोई एक पेज पढ़ा, कोई कोटेशन पढ़ी, किसी की आर्ट बायोग्राफ उठा के पढ़ी, कोई तारीख से कोई चीज़ पढ़ी, मतलब कोई जहन को नई कॉन्सेप्ट दिया हमने? जहन को तो हमने वही करता जिसम को तैयार करके लेके आ जाते हैं। तो हमें जिसम के रास्ते के साथ रूह का रास्ता बंद, जहन का रास्ता कोई ना कोई रीडिंग एक हैबिट होनी चाहिए। एक पेज ही पढ़ रहे तो भी आपका जहन कुछ ना कुछ नया लेके आएगा, आपको रास्ते में नेगेटिव ख्याल नहीं आएंगे, वो जो पढ़ के आए उसके बारे में ख्याल आता आएंगे, मतलब क्रिएटिव होंगे आप। इसी तरह आपके दिल का नाश्ता है, आपने किसी को देख के मुस्कराया, किसी की इज्जत की, किसी को इज्जत दी, किसी को रास्ते में 10 रुपये फहरा दे के आ गए, कोई नेकी कर ली, किसी की हेल्प कर ली, किसी के साथ नोट्स शेयर कर ली, किसी को उनकी जगह दे दी, किसी को रास्ते में जगह दे दी जाने के लिए, किसी को लिफ्ट दे दी, ये आपके दिल का रास्ता है, आपका दिल खुश हो जाएगा। जब आप नेकी करेंगे, इबादत करेंगे, खाना खाएंगे और कुछ पढ़ेंगे तो आपका दिल भी मुतमिन, आपका जहन भी मुतमिन, आपका दिल भी मुतमिन और आपका रूह भी मुतमिन, आपका जिस्म भी मुतमिन। हम सब पीछे पड़े हैं अपने जिस्म के साथ। तो क्या होता है, सब कुछ होने के बावजूद, सेहतमंद होने के बावजूद कहीं ना कहीं हमारे अंदर परेशानी रहती है, वो असल में हमारा रूह का झगड़ा चल रहा होता है, मुझे भी तो याद करो, वो हम उसको याद नहीं कर रहे होते। ये तो आदमी आया हूँ मैं दिल को खुश करने के लिए, अपने रूह को खुश करने के लिए आया हूँ, मैं अपने जिस्म को खुश करना था, मैं तो तैयार होकर आ गया था, क्लास में ले ली थी, सुबह मेरी फिर बैठ जाता नहीं, मैंने कहा एक ने की कमा ली। मेरी कोशिश होती है रस्ते में गाड़ी में मैं किसी स्टूडेंट को देखता हूँ या किसी टीचर जाने वाले को तो ज़रूर उठाता हूँ, वो मेरी खुश होती है। इसी तरह आप जिंदगी में इस तरह से जाएंगे, आप अपने 4 टायर्स को बैलेंस रखें, ये बहुत ज़रूरी है, वरना आप परेशान रहेंगे बगैर किसी वजह के। अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं, हम कंप्लेन ना करें, कंप्लेनिंग जब भी आए ना अपने आप को उस टाइम पे थोड़ी ऐसे तकलीफ दे देंगी, कंप्लेन करें करनी नहीं, कंप्लेन करने से आप एनर्जी ज़ाया होती है और हिम्मत नहीं आती है। तो अपने लीडर आप कम से कम खुद बने, मेरे ये है कि आपका कोई लीडर ना हो, अपना लीडर तो बने, अपने आप को आगे लाएं। किसी हालात में लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इसी यूनिवर्सिटी के लोग हमारी इसी यूनिवर्सिटी के प्राइम मिनिस्टर भी बनाए, हमारी यूनिवर्सिटी का लेवल चीफ भी बनाए, हमारी यूनिवर्सिटी से लोग अब्रॉड एम्बेसडर भी बने, CSP ऑफिसर्स भी बने, इसी यूनिवर्सिटी से, और कुछ इसी यूनिवर्सिटी कंप्लेंट करते करते निकल गए। कोई आज तक रहा है जिसको डिग्री ना मिली हो? एक चीज़, कोई आगे बैठता है स्टूडेंट, कोई पीछे बैठता है। मैं जब भी क्लास में आता हूँ सर, मैं पहले पीछे वालों को प्यार से देखता हूँ, आगे वालों को थोड़ा सख्ती से देखता हूँ। तो मैं दिल ही दिल में कह रहा होता हूँ पीछे वालों से मुझे थोड़ी ज़्यादा हमदर्दी हुई और प्यार हुई। आप जब पास आउट हो जाते हैं तो जो डल स्टूडेंट होता है, जो क्लास मेहनत नहीं करता, वो सोशली बड़ा स्ट्रांग होता है,
आपकी शादी होगी वो बच जाएगा, पर एक ग्रेड वाले को लाइब्रेरी जाना होगा। आपके घर में कोई कोई फोर्टी हो जाएगी वो पीछे वाला पहुंच जाएगा। आपका जो ग्रेड वाला दोस्त हो सकता है सोचे जाऊँ मैं जाऊँ मेरा जवाब भरा हुआ है। ऐसी तकलीफ में जब आप ब्लड की जरूरत होगी तो वो बच्चा जो पीछे बैठा होता है क्लास एक ग्रेड नहीं आता लेकिन वो ब्लड देने पहुँच जाता है। ऐसे बच्चों के साथ प्यार क्यों करें? और वो बच्चे जो एक ग्रेड लेते हैं मेहनत करते हैं उनसे हमदर्दी इसलिए नहीं होती कि होती है खुशी भी होती है उनके लिए, हमदर्दी इसलिए होती है कि अगर एक ग्रेड उसके दिमाग में बैठ गया तो समाज से कट जाएगी, अपने करियर के चक्कर में रिश्ते नाते छोड़ देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ जितना जो एक ग्रेड लेता है वो उतना ही जिम्मेदार है अपने आप को संभाले, पीछे वाले को लेके चले, अपने नोट शेयर करें। अगर आप अपने नोट शेयर करने में कतराते हैं वो कुदरत से कहते हैं सारी नमतें मुझे मिले। आपने अगर नोट शेयर करने से कतराया, एक दूसरे की हेल्प करने से कतराया और उसने जो हेल्प करी, कभी कभार ऐसे लगता है हमें कि क्लास में तो इसको आता नहीं था लेकिन पहले कैसे मिल गई, इसकी सिफारिश होगी, इसके पास पैसे होंगे, वो गरीब के पास पैसे भी नहीं होंगे लेकिन नौकरी उसको मिल गई, आगे किसी दबाव से काम आ गई और हमारे अंदर वो जो हम कब्जा करके बैठे रहते अपने टैलेंट को जो अला ने दिया उसकी वजह से शायद मुझे थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगी। ये चीज़ ज़िंदगी में कभी भी ना आए, कोई डर है कोई टैलेंट है सब बराबर है, पढ़ना आपके हाथ में रोजी देना अल्लाह के हाथ में और रोजी कब देगा आपके हिसाब से नहीं देगा, आपको मेहनत किसी ज़ाया नहीं जाता लेकिन किसी का फलूस भी ज़ाया नहीं जाता, काबिले काम नहीं आती फलूस काम आ जाता है, ये बात आप याद रखें। कभी कभार काबिले काम नहीं आती फलूस काम आ जाता है, कभी कभार कानून से ज़्यादा अचलाक हो जाता है उनका बदला घूमने लेकिन जब बात किया तो अफसर बात है तो कानून से भी फलूस आगे बात करना आगे, इसी तरह काबिले से भी फलूस आगे लेकिन यदि आगे अमल का दारोमदार नियत पे और नियत से बहुत सारे पास हो जाएंगे, मेहनत से बहुत सारे रह जाएंगे। नियत अमल आपकी काबिलियत से आगे, काबिलियत का ये नहीं कि इसको दूर करना है, काबिलियत से चलना है मेहनत करनी है। एक चीज़ हमें कभी कभार नतीजे नहीं मिलते, जिंदगी में नतीजे नहीं मिलते, हमने एफर्ट्स की नहीं की नहीं की, अच्छा आपको इंटरेस्ट रेट के साथ मिलती है वो अचानक मेहनत की रिजल्ट। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं 10-10 साल कॉन्ट्रैक्ट पर रहे, 5-5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर रहे, अचानक डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर हो जाते हैं। कैसे? उन्होंने एक सबर भी किया, मेहनत जारी रखी, अल्लाह ताला ने उनको इंटरेस्ट के साथ वो सीखे। जिंदगी में कभी कभार आप फेल हो जाएंगे और हर बीज जो है पौधा नहीं बनता लेकिन कोई बीज ऐसा होता है जो दरख्त बन जाता है। इसी तरह आपकी सारी मेहनतें आपको शायद सामने रिजल्ट ना लाएं लेकिन कभी वो सारी चीज़ें कंपाउंड इफेक्ट ला के कंपाउंड कंपोजिट होकर आपको जब दम से इतनी रिजल्ट दे देंगी कि आप कहीं से कहीं पहुँच जाएंगे, लोग देखते रह जाएंगे कल तो ये नतीजा था आज कहाँ कैसे पहुँच गया। उसे मेहनत करना छोड़ी नहीं, सबर करना छोड़ा नहीं, कुदरत कभी ना कभी आजमाते उसके लिए भी स्पेस क्रिएट कर देती है और आगे जाता है। आपकी मेहनत अचानक ऐसे ज़मीन से बाहर आएगी जैसे बारिश के बाद कोई बीज पड़ के पौधा बन जाता है। अपनी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती, आपकी सेव रहती है ज़िंदगी में, आपकी कहीं ना कहीं नेकी ज़ाया नहीं जाती वो सेव रहती है, फलूस ज़ाया नहीं जाता वो सेव रहता है। कुछ लोगों को कहीं कोई रोकता ही नहीं है और कुछ लोगों को कोई पकड़ के खड़ा रहता है, असल में वो भी कहीं ना कहीं किसी की दवा से वो निकल हो जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखें। और एक आम चीज़ हमारे IT भी है, कंप्यूटर भी है, इंग्लिश भी है, जाग्राफी भी है, सिंधी भी है, उर्दू भी है, इस्लामिया पाकिस्तान स्टडी भी है। हम मैं आपको बता दूँ इंसान का जो इंसान शोबे भी आप डिपेंड नहीं करते, शोबा आप पे डिपेंड करता है। कोई IT में पढ़े कंप्यूटर में पढ़े अगर उसने मेहनत नहीं की तो वो वहीं रह जाएगा, आप जाग्राफी पढ़ के कहीं से कहीं पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ अपने जहन से निकाल लें कि हमारा शोबा कम है या ज़्यादा है, शोभा आप पे डिपेंडेंट है, आपने मेहनत की आपको उस शोबे में आप रोल मॉडल बनेंगे। क्या था मतलब आलम आया गांधी ने किस चीज़ पढ़ा इस्लामियात में फिर इंग्लिश में, दलपेश काम करो किसने पढ़ा इस्लामियात में पढ़ा, मजहर अलग सिद्धि की इस्लामियात में डिग्री थी बात किसने दी थी, बड़े बड़े लोग क्या जो भी आप देखेंगे सिद्धि में उर्दू में इस्लामियात में पढ़े लोगों का कितना नाम है, आप जाग्राफी में देखेंगे आपके लोगों का नाम होगा तो क्या होगा उन्होंने मेहनत की होगी। आप जाग्राफी में ऐसे पढ़े दुनिया भर में जो मौाक़े हैं जाग्राफी के वो ढूंढे, आपने कभी कोशिश की कि करियर अपॉर्चुनिटीज इन जाग्राफी, बस्ती वालों को ये गूगल करना चाहिए ताकि उनको पता लगे। और फिर देखिए इसी डिपार्टमेंट से पढ़ के चाइना से कोई इंग्लैंड से PhD करके आया क्यों, उसको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली,
अब ज्योग्राफी रिलेटेड एनवायरनमेंट ये सारी चीज़ें आप देखें आपको बहुत आगे ले जाएंगी। आप कभी भी ये ना सोचें कि बोलते हैं बड़ा है उससे बेहतर है, नहीं वो आपके शोबे में बेहतर थोड़ी है, आप अपने शोबे में रोल मॉडल बने। आपके शोबे में जो रोल मॉडल्स पर्सनैलिटीज हैं जिनकी थ्योरीज हैं जिन्होंने ये टेक्स्ट में आपने देखा होगा किसने कानून किया होगा किसने थ्योरी दी होगी उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, ये बंदा पूरी दुनिया का सैर करके बैठा हुआ है बेहतर, ये किसने इसको क्या था कैसे किए इस बार हुआ उसकी कहानी पढ़ेंगे तो आप नंबर आ जाएंगे। अपने शोबे की रोल मॉडल्स साइंटिस्ट जो हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ें, आपसे भी देख उनकी लाइफ होगी उनकी बचपन में उन्होंने अचानक कैसे नहीं किया होगा, आपको जो समझते होंगे स्मार्टफोन भी याद है आपके पास, उस देश ने कानून दिया जिसने नजरिया दिया जिसकी ज्योग्राफी में आप नाम पढ़ रहे हो उसके पास क्या था, उसको जब पढ़ेंगे तो आप उससे आगे होंगे, आप उसी को बुनियाद बना के हिम्मत लाएँ आगे चले, कोई भी शोभा किसी भी कम नहीं है, आप किसी भी कम और पीछे हो सकते हो आपने अगर मेहनत नहीं की, तो अपने शोबे को कम नहीं समझना, अपने शोबे का पहचान बननी है। स्कॉलरशिप पूरी दुनिया में मैं कहता हूँ हर बच्चा मेरा बाप है सिंध का, हर बच्चा बाहर स्कॉलरशिप की कोशिश करे और कम से कम हर गांव में से एक लड़का या एक लड़की किसी दुनिया के बाहर के जदीद मुल्क से पढ़ के वहाँ सेटल हो जाए या यहाँ वापस आ जाए। और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया अब इस बात पे आमादा है कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है, अगर कोई साइंटिस्ट बनेगा कोई इन्वेंशन करेगा रिसर्च करेगा इसके लिए होगी, सब पूरी दुनिया उससे फ़ायदा उठाएगी, नाम किसका होगा उनके मुल्क का होगा जिन्होंने प्रोड्यूस किया, नाम किसका होगा उनकी इंडस्ट्री को होगा, लेकिन आपका काम क्या होगा आप सेटल हो जाएंगे आपकी आला तालीम हो जाएगी आप दूसरों के लिए रास्ता बनेंगे, इमिग्रेशन मिल गई तो आप सेटल होंगे वहाँ पर पीछे वालों की मदद कर सकते हैं। आप ज़रूर कोशिश करें, इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 68 लाख स्टूडेंट हैं, 6.8 मिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो अपने मुल्क से बाहर पढ़ रहे हैं, ये मैंने आपको यूनिवर्सिटी डेटा पढ़ी हुई उसमें वो कहता है कि पूरी दुनिया से 6.8 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं 2020 से 2022 तक में बाहर के मुल्कों में 2025 में ये तादाद 8 मिलियन हो जाएगी, मतलब अपने मुल्क से बाहर 8 मिलियन हो जाएगी 2025 में, और हमारी आबादी कितनी है सिंध की आप देखिए दुनिया की आबादी 8 मिलियन 8 मिलियन और हमारी आबादी 8 करोड़, 8 मिलियन का अगर आप 1% निकालेंगे तो बनेगा 8 बिलियन 8 करोड़। लेकिन एक और शायर है उसने कहा है मंजिल की तलाश में क्यों फिरता है राही, मंजिल की तलाश में क्यों फिरता है राही, ऐसा अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। मेरा विजन था 2012 में मैंने लिखा हुआ अपनी डायरी में लेके नहीं आया, 2012 में मैंने लिखा 2018 में मैं पीएचडी होल्डर होगा, मेरी मिसेस पीएचडी एमफिल होल्डर होगी और मैं 2018 में असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, और उसी टाइम मैंने फिर 2018 में नए सिरे से लिखा 40 साल की उम्र से पहले मेरी 10 किताबें होंगी, मैंने लिखा 2023 में मैं असोसिएट प्रोफेसर बनूंगा और मैं 2023 में एसोसिएट प्रोफेसर बन गया, अभी मैंने लिखा हुआ है प्रोफेसर का बनूंगा, और मेरी आपने वो लिखने का गवारा नहीं किया तो आपका दिमाग वो चीज़ें आपसे भुला देता है, और अपनी डायरी को हर महीने में देखता हूँ इसलिए कोशिश जो करता हूँ और हफ्ते देखा मैं तो हर महीने देखता हूँ, तो ताकि वो मेरी पूरी जिम्मेदारी जो उन्होंने लिखी है अपने साथ कमिटमेंट जो की कम से कम वो तो पूरी करनी है ना, दूसरों के साथ नहीं कर पाते अपने साथ तो कमिटमेंट करो। आपका विजन क्या है आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं उसके लिए आपको मिशन स्टेटमेंट लिखना पड़ेगी, मिशन स्टेटमेंट क्या होती है आप वो कैसे करोगे, विजन क्या है कि क्या करना है वो जो ड्रीम करने क्या है प्रोसेस क्या है कैसे करना है वो, और आपका गोल क्या है जो आपने लिखा जो विजन था आपका जो मिशन स्टेटमेंट है और क्यों करना है। देखो सबसे आसान है बात और उसके उससे भी आसान है नहीं उससे थोड़ा मुश्किल है हाउ, लेकिन सबसे आम चीज़ है वाई क्यों, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ हूँ टीचर के पढ़िए, फिर मेरा अपना तजुर्बा है प्राइमरी से पीएचडी तक वो मैंने पूरा सर्च आउट किया है, मुझे पहली चीज़ जो कामयाब करती है ना मेरी जिंदगी में जो सर क्लिक करती है पहली चीज़ वो ये थी जब मैं 5वीं क्लास सिंधी मीडियम में पढ़ाऊँ पूरा 5, जब हम 6ठी में जाने वाले थे आप तो खुश नसीब हो कि आपने प्राइमरी में इंग्लिश पढ़ी होगी, तो हमारे प्राइमरी टीचर ने कहा ABC याद करा दो ताकि जब हाई स्कूल में जाओ तो मुश्किल ना हो, तो हम सब
आपको एबीसी याद कराई, लिखना भी सिखाई। तो एक दिन सर ने कहा आप सब एबीसी लिख के आए, सब की राइटिंग देखो आपकी स्थिति अच्छी है। टोटल 7 स्टूडेंट थे हम क्लास में। सर को जब लेके गए तो सर ने सबको शाबाशी दी, मुझे देख के थोड़ा परेशान थे। कहे सर मैं प्यार था उसको, कहने लगा समरा तुम्हारी राइटिंग तो सही नहीं है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, एबीसी सही लिखी हुई, एबीसी तो पूरी सही लिखी हुई। सर अगर आज एबीसी सही याद लिखी हुई तो राइटिंग वक्त के साथ सही हो जाएगी, इसकी परेशानी क्या बात है। सर की आंखों में एक चमक आ गई थी, इतना पॉजिटिव है। आज तक मैं यही सोच नहीं चलता हूँ। जब भी बहुत हर्टेडली थैंकफुल जो डायरेक्टर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट सर सुजो मसा, एंड आल्सो आई एम बहुत हर्टेडली थैंकफुल टू अवर डीन रेस्पेक्टेबल डीन आगा असद मूसा हु इज काइंडली कम टू जॉइन दिस अवर लिटिल एफर्ट। दिस इज अ ग्रेट, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट ऑनर फॉर अस एंड बीइंग अ स्पीकर एज वेल एज फॉर अ डायरेक्टर एंड यू दैट अवर सीनियर प्रोफेसर हियर प्लीज कम एंड जस्ट अवर मैसेज and he alerted us and he has shown his responsibility that has encouraged me a lot and I will not suffer that for him. I have topics I would like to ask him and request him to present his lecture here. Give his final remarks on this session.